হাজিরি ব্লকের ডিমা চা বাগানে সোমবার বকেয়া বেতন প্রদানের দাবিতে শ্রমিকরা বিক্ষোভে শামিল হলো। সোমবার সকালে কাজে যোগ না দিয়ে ডিমা চা বাগানের হাজারের বেশি বিঘা শ্রমিক ম্যানেজার কার্যালয়ের সামনে বিক্ষোভে শামিল হয়। ডিমা চা বিঘা শ্রমিকদের অভিযোগ, তাদের 14 দিনের বেতন বকেয়া রয়েছে। গত শনিবার বেতন প্রদানের কথা থাকলেও তা দেওয়া হয়নি। এদিন বাগান কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে জানানো হয় ধাপে ধাপে বেতন দেওয়া হবে। এই নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেন বাগানের বিঘা শ্রমিকরা। তারা কাজ বন্ধ করে দিয়ে বাগান কার্যালয়ের সামনে বিক্ষোভ শুরু করে। বিঘা শ্রমিকদের দাবি, তাদের বেতন আজই একসঙ্গে প্রদান করতে হবে। যদিও এই বিষয়ে বাগানের ডেপুটি ম্যানেজার আব্দুল কাদের জানান, আমরা সিডিউল তৈরি করেছি, সেই অনুযায়ী শ্রমিকদের বেতন দেব বলেছিলাম, কিন্তু শ্রমিকরা তা মানছে না। কয়েক ঘন্টা বিক্ষোভ চলার পর ঘটনাস্থলে পৌঁছায় তৃণমূল ব্লক সভাপতি পাসাং লামা সহ তৃণমূল নেতৃবৃন্দ। পরবর্তীতে তৃণমূল নেতৃবৃন্দ চা বাগান কর্তৃপক্ষের সাথে কথাবার্তা বলে বোনাস ভি কম দিয়া। अभी क्या क्या कर रहे हैं आप लोग? उसके बाद देखे कि हम लोग का तलब नहीं है। ये हफ्ता में शनिवार को तलब था, आपको भी नहीं दिया। अभी बोल रहे थे काल देगा, आज देगा, उनके ऐसा अटका के रखा है। अभी अभी काम छोड़ के आप लोग यहाँ पे हैं? काम छोड़ के आपका पति को उठा कर में गोदाम में देख के उसके बाद हम लोग हम लोग का पैसा नहीं मिलेगा तो कैसे काम करेंगे? समस्या हो रहा है, समस्या हो रहा है, तो इसलिए हम लोग चले बगान में। नहीं, ये सप्ताह को इस बार पेमेंट नहीं होगा, दूसरा सप्ताह, दूसरा सप्ताह तक हम लोग का बच्चा लोग को पढ़ाई लिखाई है, खाना है, सामने पूजा है, एक दुर्गा पूजा तो चला गया, कोई बात नहीं है, लेकिन दिवाली पूजा है, हम लोग को लिए पैसा चाहिए ना? पैसा नहीं मिल रहा है, मामा का पैसा नहीं मिल रहा है तो हम लोग काम करेंगे। अभी क्या डिमांड है आप लोगों का? हम लोग को पेमेंट चाहिए। मैनेजर को घेर के रखे हैं क्या आपने? मैनेजर तो नहीं है, खड़ा मैनेजर तो। अभी आप लोग का समस्या समाधान नहीं होगा तो क्या करेंगे? अभी काम ऐसे ही बंद रखेंगे? बंद करके रखेंगे, काम नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग का पैसा नहीं मिलेगा तो काम करके क्या करेंगे? हम लोग का समस्या समाधान करने के लिए क्या चाहिए? हम लोग को पैसा, पैसा लेने के लिए क्या करना होगा? काम, काम करके हम लोग मेहनत करके पैसा नहीं पाएंगे तो मेहनत क्या करेंगे? मैनेजर का घेर के रखे हैं, बताइए थोड़ा सा। हम लोग का पेमेंट का डेट शनिवार का था, शनिवार को हम लोग का पेमेंट नहीं हुआ है, तो जो आज में पेमेंट देगा बोल रहा है मालिक, तो बोल रहा है कि 6 दिन का पेमेंट देगा, जबकि हम लोग का 14 दिन का पेमेंट है, तो उसमें 6 दिन का देने का बात कर रहा है। तो हम लोग को पूरा पेमेंट चाहिए, क्योंकि हम लोग का जो बोनस था पूजा से पहले, वो भी हम लोग को शायद पूजा से 5-6 दिन पहले ही मिला है हम लोग को, तो जो मिला वो भी जिसका पूरा काम था उसको मिला है 1200 रुपये, जिसका कम काम था उसको 800 रुपये, और जिसका उससे भी कम था उसको 600 रुपये करके। पब्लिक लेबर, मतलब जो पब्लिक लेबर है, जो हम लोग जिसका निर्भर में हमारा जो डीमा चाय बागान है वो चल रहा है, जिसके निर्भर में हम लोग हमारा बागान पूरा मैनेजमेंट पब्लिक से ही चल रहा है, क्योंकि अगर आज में पब्लिक काम नहीं कर रहा है तो कम से कम डीमा बागान में कम से कम 4000 लेबर काम है, जिसमें हम लोग का स्प्रे है, जिसमें हम लोग का पत्ती वाला। आज क्या हुआ आप लोग को, क्या कर रहे हैं आप लोग? आज हम लोग का मुद्दा है कि हम लोग को पेमेंट देना पड़ेगा, और वो भी पूरा 14 दिन का पेमेंट। इसीलिए हम लोग, इसीलिए काम बंद करके आप लोग आए? हाँ, हम लोग काम में गए थे, काम में जाने के बाद में हम लोग को तो नोटिस नहीं मिला। हम लोग बागान में रहने वाले हैं, हम लोग दिन भर बागान में ही बीतता है, हम लोग का ऑफिस में आने का हम लोग का फुर्सत भी नहीं होता है। हम लोग जब बागान में हम लोग को थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन हुआ कि हम लोग का जो पेमेंट है वो 6 दिन का होने जा रहा है, तो हम सभी लेबर ने एक वजन, जो हम लोग का 9:30 बजे होता है, वो प्रत्येक लेबर ने एक वजन दे चुका है। उसका अभी क्या होगा, वो जो लेबर अभी जो वजन दिया है वो लोग का हजरा होगा कि नहीं? वो लोग सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे, हम लोग का बागान का नीति है 7:15 बजे बागान बंद बोल के अनाउंसमेंट होता है, हर रोज का नीति है। तो आज में हम लोगों का लेबर गया था 9:30 बजे का वजन दे के, अभी आया है हम लोग कि हम लोगों को पेमेंट देना चाहिए, क्योंकि हम लोग का पेमेंट जो है, हम लोग फुल पेमेंट नहीं होगा तो हम लोग कैसे खाएंगे, हम लोग का घर कैसा चलेगा, इसके बारे में हम लोग कहने के लिए यहाँ पर आए हैं। हम लोग का जो, वैसे तो हम लोग का पब्लिक नेता का कोई भी अभी तक चयन नहीं हुआ है, लेकिन आज का आंदोलन जो है हम लोग इसमें फुल निश्चित करेंगे कि हम लोग का पब्लिक नेता होना चाहिए, जो हमारे जो
मेन मुद्दा है जो मैनेजमेंट के सामने, क्योंकि मैनेजर हम लोग के साथ बात करना नहीं चाहता, और जो पार्मेंट लेबर का जो भी नेता है वो आज हम लोग के समक्ष में नहीं आ रहा है, जिन्होंने जो साहब आपके समक्ष में न्यूज के माध्यम से बोल रहा था कि ये ऊपर से शेड्यूल आया है, और उस शेड्यूल को जो एग्री करने के लिए जो नेता आए थे वो अभी हम लोग के सामने में नहीं आया, यही बात है हम लोग के समक्ष में। अभी आप लोग क्या करके रखे और आप लोग का डिमांड क्या है? जब तक हम लोग का पेमेंट फुल नहीं देगा तब तक हम लोग साहब को यहाँ से निकलने नहीं देंगे। जो हम लोग का मैनेजमेंट है, जो हमको काम के लिए आदेश देता है, उसका हम लोग यही सोच है, प्रत्येक लेबर का यही सोच है। हम लोग सुबह से नहीं खाकर, अभी टाइम भी बहुत ज्यादा होने जा रहा है, क्योंकि लेबर 11:30 से 12 बजे हम लोग खाना खा जाते हैं, लेकिन अभी देखिए 12 बजे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विराज मुंडा है, मैं बगान में ही काम करता हूँ। श्रमिक लोग आंदोलन कर रहे हैं, उन लोग का तलब नहीं मिला है, तो सुन रहे हैं उन लोग का वेतन। एक शेड्यूल बनाया गया यूनियन से मीटिंग करके 28-29 तारीख में करके मीटिंग करके शेड्यूल बनाया गया हुआ है, उसमें लोग इसलिए विरोध कर रहे हैं। अच्छा, इन लोग क्या डिमांड कर रहे हैं श्रमिक लोग? ये शेड्यूल का जो है ना, शेड्यूल लोग नहीं मान रहा है, एक्चुअली शेड्यूल हमने 30 तारीख में टांगा दिया है। अच्छा, शेड्यूल इन लोग अभी नहीं मान रहा है, यूनियन की तरफ से सब बागान में सब एक्चुअली यूनियन से बैठक बता रहा है, यूनियन से बात हुआ, जब बात हुआ सिग्नेचर भी हुआ है, अभी बैठक करके किया गया है। अभी श्रमिक लोग जो काम बंद कर दिए वो लोग आंदोलन कर रहे हैं, उन लोग शेड्यूल नहीं मान रहे हैं, नहीं मान रहे हैं। बताइए क्या? देखिए, इंडस्ट्री ट्रेड रहता तो यूनियन रहेगा, उद्योग रहेगा तो यूनियन रहेगा, तो थोड़ा बहुत पारिवारिक समस्या था, समस्या मिट गया है, और चाय श्रमिक का डिमांड भी सही था, उनका पेमेंट नहीं मिला था, तो बड़ा साहब नहीं होने के कारण पेमेंट नहीं मिला था, जो यहाँ का जो मैनेजर साहब वो बाहर गए थे, तो इसका समस्या और समाधान आउट सॉर्ट आउट हो गया, और आशा करते हैं हमारे कालची पश्चिम बंगाल में सब कभी भी मैंने चाय श्रमिकों के साथ में कभी भी अन्याय नहीं होगा।